ये बड़ा सुनहरा पुरस्कार आया सुरेंद्र अंबेडकर नक्की कोल भावर कोल मोहम्मदाबाद गाजीपुर आपकी तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान है। और ये एक और पुरस्कार है न्यू बादल बैंड नरही बलिया प्रोपराइटर राजेंद्र भारती जी बहुत बहुत साधुवाद है जेकर तिलक बिया छतिहार भंडारा हाँ बैंड बाजा के जरूरत पड़ी तो आप लोग ये संपर्क करेंगे न्यू बादल बैंड नरही की तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान है सादर जय भीम। और ये सत्येंद्र जी की तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान आपका पुरस्कार तो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये पिताजी के सम्मान बहुत बहुत रुपयों का सम्मान है एक ताली बजा दीजिए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद बड़ा मुश्किल से हम लोगों को बुजुर्गों का मिलता है बहुत बहुत साधुवाद जय भीम नमो बुद्धाय। कहना है बहुतन के नैया जो बंदर रहे सागर की जी के नैले किनारा बहुजन कन्हैया डूबत रहे सागर खींच के गईले किनारा चरम सीमा पे रहे मनु बाकी बिंदिया केहू न रहे बहुजन कन्हैया चाहे राजा हो या फकीर हो सबके लिए बराबर कानून हमारे बाबा साहब ने बना के गए। और मैं बता देना चाहता हूँ ये महिलाओं बहनों का देख लीजिए इतना अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के बैठी इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ इनका काम सुन लीजिए मात्र 25 साल पहले की बात 25 साल पहले की बात बताऊंगा इनका काम था एगो मेहरारू के काम का रहे घर में चूल कोटना बर्तन मांजना झाड़ू लगाना खाना बनाना माने यही काम घर का एक औरत का। लेकिन जब से लोग बाबा साहब के संविधान को पढ़ा संविधान को जाना तब से देख लीजिए मेरे गांव की कोई बहन बेटी बीडीसी हो जा रही है मुखिया हो रही है डॉक्टर हो रही है मास्टर हो रही है एडवोकेट हो रही है टीचर हो रही है डीएम हो रही है एसडीएम हो रही है। जैसे देखो छोटा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही ये अगर किसी की देन है योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए मोदी जी पीएम बन गए क्यों अगर ये किसी की देन है तो भारतीय संविधान और अंबेडकर जी की देन है। इसलिए टंडन कहता है और मैंने एक लाइन में एक बार बोला कि प्यासे को पानी भूखे को भोजन बाबा साहब ने वो पानी वो भोजन दिया है जो आप खाएंगे आपका बेटा खाएगा उसका 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 बेटा खाएगा खत्म नहीं होगा वो पानी भोजन इन्होंने जरा गौर से समझिएगा मैं क्या बोल रही हूं। तो कहना है अच्छा है ये बोल ले रविंद्र प्रसाद राम ग्राम प्रधान ग्राम शाहपुर बनौल आ देखा जा बहुत गवैया आप लोगों ने देखले होई बाजा हम है भीम का जो ऐसा सोच दे आप से वो माने आप उससे बड़ा बन जाए कदापि नहीं मात्र बाप ही ऐसा शख्स होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने जब 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 भैया भैया अच्छा 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 छूटू जाता काय करेगा सॉरी भैया हाँ बोल देंगे नहीं नहीं दोबारा मत दीजिए वही पैसा नहीं बोलो वशिष्ठ प्रधान
रविंद्र कुमार, रविंद्र कुमार जी थोड़ा मंच पे आके मिल लीजिए। और ये वशिष्ठ प्रधान कैथोली, आप हमारे गार्जियन, हमारे महोदय, आपके तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान है इस मिशन गायक करके सौर और टंडन को। तथागत की अनुकंपा हो, आपके परिवार में मंगल ही मंगल हो। शिवपुर भरवली से धर्मेंद्र, आपके तरफ से बहुत बहुत रुपयों के सम्मान भैया के साधुवाद बा धर्मेंद्र भैया शिवपुर भरवली से। लेकिन गीत की आखिरी लाइन का कहना है, माता भीम बाई के रहले ललनवा पूरा जग दुनिया जाने, इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा मिशन की बड़ी होनहार सिंगर सोनाली राव जी और प्रियंका बोस जी। माता भीमा बाई के रहले ललनवा पूरा जग दुनिया जाने, माता भीमा बाई के रहले ललनवा पूरा जग दुनिया जाने, आ पिता राम जी राम पाली पोष के नाने से कैले सजा। ये धरातल पर पाप ही ऐसा सबसे होता है, सिर्फ पाप दुनिया में और कोई नहीं। इस धरातल पर पाप ही ऐसा शख्स होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने, मुझसे बड़ा बने। देखिएगा, और दुनिया में आपको कोई चाह होगा तो नंबर मेरा ले लीजिएगा, फोन करके बताइए। बहुत अमूल्य बात हमने बोला। हाँ भाई, और ये बबलू भैया आए। ए भैया, एक तरह संतोष पावरा, आपके तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान। ई जान लीजिए कि हम नरही ना है, हम भरही है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम नरही ना है, अपने घरही है। तो ई जो लाइन है, बहुजन के नैया डूबत रहे सागर खींच के कैली की नरमा, अचरम सीमा पर रहे मनु बादल दिया केहू ना रहे सहरमा। इनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और सबसे प्लस पॉइंट नरही का ये पहला स्थान हमने ले देखा, या पहला जयंती देखा, अब पहली साग जयंती देखा कि यहाँ सर्व समाज के लोगों ने बैठा हुआ है, यहाँ सर्व समाज के लोगों ने बैठा हुआ है। अरे मैं मंच पे कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ चमारों के लिए संविधान लिखे होते तो टंडन इनका गाना नहीं गाता। मैं लखनऊ में बोला, लखनऊ में बोलता हूँ बड़े बड़े मंच पर चढ़ के,
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ चमारों के लिए संविधान लिखे होते तो ये टंडन उनका गाना नहीं गाता। लेकिन मैं बता दूं, सम बने बराबर अभिधान बने कानून, चाहे राजा हो या फकीर हो सबके लिए बराबर कानून हमारे बाबा साहब ने बना के गए। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये महिलाओं बहनों का देख लीजिए, इतना अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के बैठी, इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ, इनका काम सुन लीजिए। मात्र 25 साल पहले की बात, 25 साल पहले की बात बताऊंगा, इनका काम था एगो मेहरारू के काम का रहे घर में, चूल पोतना, बर्तन माजना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, माने यही काम था घर का, एक औरत का। लेकिन जब से लोग बाबा साहब के संविधान को पढ़ा, संविधान को जाना, तब से देख लीजिए मेरे गांव की कोई बहन बेटी बीडीसी हो जा रही है, मुखिया हो रही है, डॉक्टर हो रही है, मास्टर हो रही है, एडवोकेट हो रही है, टीचर हो रही है, डीएम हो रही है, एसडीएम हो रही है। जैसे देखो छोटा एग्जांपल, उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही, ये अगर किसी की देन है। योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए, मोदी जी पीएम बन गए, क्यों? अगर ये किसी की देन है तो भारतीय संविधान और अम्बेडकर जी की देन है। इसलिए टंडन कहता है, और मैंने एक लाइन में एक बार बोला कि प्यासे को पानी, भूखे को भोजन। बाबा साहब ने वो पानी वो भोजन दिया है जो आप खाएंगे, आपका बेटा खाएगा, उसका 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 बेटा खाएगा, खत्म नहीं होगा वो पानी भोजन। जरा गौर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो कहना है प्यासे को पानी है, अब भूखे के दियाली भोजन है। ए हो, अच्छा है, ये बोल ले रविंद्र प्रसाद राव, ग्राम प्रधान, ग्राम शाहपुर बनौल। आ देखा जा, बहुत गवैया आप लोगों ने देखले हुई बाजा, हम हाँ भाई भीम का।